बिहार कैडर के दो सीनियर सुपर कॉप आईपीएस अधिकारियों की मुलाकात कुछ इस तरह से हुई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के दो सुपर कॉप आईपीएस अफिसर आपस में मिले हैं, बिहार से दूर मिले हैं, गंगा मैया के किनारे ऋषिकेश की पावन धरती पर ये दोनों अधिकारी मिले हैं। बात कर रहे हैं आईपीएस विकास वैभव और आईपीएस मनु महाराज की। दोनों आईजी हैं और अभी मनु महाराज आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो विकास वैभव पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं बतौर आईजी। लेकिन ये दोनों मिले हैं और दोनों का परिवार भी साथ साथ है, पत्नियां हैं दोनों की और दोनों आपस में मिल रहे हैं। तस्वीरें साझा की हैं विकास वैभव ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से, और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो पहले आपको पढ़ के दिखा दूँ, बता दूँ कि आईटीबीपी में वर्तमान में अपनी सेवाएँ दे रहे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज जी से सपरिवार ऋषिकेश में मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यात्रा गतिमान है। दरअसल विकास वैभव इन दिनों ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन तमाम धाम की यात्रा पर हैं। लगातार तस्वीरें साझा करते रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए। पिछले दिनों उन्होंने केदारनाथ में जो थे उस वक्त की तस्वीरें भी साझा की थी। फिलहाल वो ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में यहाँ उन्हें एक खास शख्स से मुलाकात हुई, मनु महाराज से। बिहार के सिंघम के तौर पर जाने जाते रहे मनु महाराज और सुपर कॉप आईपीएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे विकास वैभव। तो ये दोनों अधिकारी मिले हैं, अंदाज बिल्कुल जुदा है। भगवान की शरण में हैं, भगवान की धरती पर हैं जहाँ गंगा मैया जो है स्वच्छ निर्मल जो बहती हैं और यहाँ के बाद धरती पर उतरती हैं, तो इस जगह पर इन दोनों की मुलाकात हुई है। तो बिहार के इन दोनों आईपीएस अधिकारियों की मुलाकात खास है, तस्वीरें खास हैं। थोड़ा इस वक्त पर चर्चा कर लेना जरूरी है कि आखिर विकास वैभव जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, बिहार के सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं आईजी लेवल के, और विकास वैभव जो गरीबों के मसीहा के तौर पर भी उन्हें जाना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लेट्स इंस्पायर बिहार करके वो एक संस्था चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आईएएस आईपीएस भी बन चुके हैं। तो विकास वैभव आईआईटी और नीट की परीक्षा की तैयारी कराते हैं और फ्री में कोचिंग देते हैं। तो लेट इंस्पायर बिहार जो है वो इनका चर्चित रहा है, इसके जरिए वो सक्रिय रहते हैं काफ़ी। लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से जो इनकी मुहिम है वो चल रही है और इस मुहिम के जरिए गरीब और वंचित परिवारों को बच्चों को निःशुल्क आईआईटी और नीट की परीक्षा की वो तैयारी करवाते हैं। विकास वैभव के बारे में काफ़ी कुछ कहने के लिए है, लेकिन आपको बताएं कि चर्चित आईपीएस अधिकारी जो हैं न कभी किसी बाहुबली नेता से डरे और न किसी के आगे कभी झुके। ईमानदारी और कर्मठता के चर्चे इनके अक्सर होते रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले एक विवाद में जरूर फंसे थे, अपने ही विभाग की जिस विभाग में तैनात थे वहां की सीनियर अधिकारी शोभा उत्कर्ष से इनका विवाद हुआ था, हालांकि उसका पटाक्षेप हो चुका है। और बात कर लेते हैं अब मनु महाराज की। मनु महाराज को बिहार में जब वो तैनात थे, फिलहाल अभी आईटीबीपी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, और जब वो बिहार में तैनात थे तो उन्हें सिंघम का अवतार माना जाता था। यहाँ सिंघम जो फिल्मों में आप देखते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में मनु महाराज अपने पुलिसिंग करते थे और सुपर कॉप अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। अपराधियों के लिए खौफ माने जाते हैं मनु महाराज। मनु महाराज बिहार कैडर के 2005 बैच के अफसर हैं, 7 साल ये पटना में एसएसपी भी रहे हैं मनु महाराज। तो अभी आईटीबीपी में हैं और रियल लाइफ सिंघम के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये दो सुपर कॉप अधिकारी आईपीएस अधिकारी मिले हैं, बिल्कुल एक अलग अंदाज में मिले हैं, क्योंकि धरती है ये गंगा मैया की, जहाँ से गंगा मैया धरती पर उतरती हैं, ऋषिकेश की धरती है। और अगर कहा जाए कि ये विकास वैभव इन दिनों तीर्थ यात्रा पर हैं और लगातार भगवान के शरण में हैं, तो ऐसे में इन दो अधिकारियों की
ये मुलाकात बिल्कुल खास है, क्योंकि ये दोनों बिहार कैडर के हैं, दोनों सुपर कॉप हैं, दोनों अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बने रहिए कशिश से न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।